हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज हम याद करेंगे कवकों द्वारा उत्पन्न प्रमुख पादप रोग यानी कि प्लांट डिसीज। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है आलू का वार्ट रोग, वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो, और ये फैलता है सिनकार्ट्रियम एंटोबायोटिकम द्वारा, सिनकार्ट्रियम एंटोबायोटिकम से। तो हमें याद रखना है कि वार्ट, वार्ट मीन्स क्या होता है, काई, क्या। तो वार्ट और का, काई, जैसे कि वार्ट पूरा ऊपर, वार्ट नहीं है और काई पूरा ऊपर, क्या नहीं है, पर ये मिलते जुलते हैं, वार्ट और का, काई, वार्ट और काई। तो हमें वह याद क्या रखना है कि वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो मीन्स सिनकार्ट्रियम एंटोबायोटिकम, यानी कि यहाँ पर वार्ट और यहाँ पे क्या, इन दोनों के मिलते जुलते वर्ड आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पपीते का स्टेम रोट, स्टेम रोट ऑफ पपाया, इसका हो जाएगा पाइथेनोडर्मेटम, पाइथियम अफेनोडर्मेटम। तो आपको याद रखना है कि अगर आप स्टीम ले रहे हो तो आपकी डर्म, डर्मिस आपको पता है कि स्किन को बोलते हैं, पाइथियम इफेनोडर्मेटम यानी कि आपकी स्किन में इफेक्ट होगा। क्या करने से होगा स्किन में इफेक्ट, अगर आप स्टीम ले रहे हो किसकी, पपाया की, तो आपकी स्किन में क्या होगा, पाइथियम पपाया का एक ग्लो होगा और इफेनोडर्मेटम यानी कि अच्छा इफेक्ट होगा डर्मिस में, इफेन इफेक्ट बना लेंगे इसको वर्ड को, इफेनोडर्मेटम यानी कि आपकी डर्मिस में इफेक्ट होगा अगर आप क्या करेंगे, स्टीम लेंगे पपाया का, इसको रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका आलू की लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो इसकी ब्लाइट ऑफ फ्लाइट, ब्लाइट ऑफ फ्लाइट दोनों रेमिंग वर्ड है, आलू की लेट ब्लाइट और फ्लाइट ऑफ थेरा इन्फेस्टेंस, फ्लाइट ऑफ थेरा इन्फेस्टेंस दोनों क्या है, रिमिंग वर्ड, लेट ब्लाइट और फाइट, ब्लाइट फाइट, आप इसको डिवाइस कर लेंगे इसको बात को, इसको माइंड में बैठा लेंगे, बात को माइंड में डिवाइस कर लेंगे कि लाइट और फ्लाइट, लाइट और फाइट। नेक्स्ट है आपका मटर का पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू पी, ये किसके कारण होता है, होता है एरिसाइथी पॉलीगोनाई, एरिसाइथी पॉलीगोनाई। तो पाउडरी, अगर आप पाउडर लगाओगे और पाउडर भी कैसा माइल्ड वाला, तो क्या होगी आपकी, आप साइफी, सेल्फी ले पाओगे, सेल्फी ले पाओगे यानी कि पाउडरी और साइफी, आप इसको इस वर्ड को एज ए सेल्फी दिमाग में क्लिक करना है, पाउडरी, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, और ये किससे होगा, एरिसाइथी पॉलीगोनाई। तो आपको याद रखना है कि अगर आप पाउडर लगाओगे तो आप क्या करोगे, साइफी, सेल्फी ले पाओगे, ठीक है। गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू, ये मटर का था, पी, पी में हम क्या कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, और अगर वीट का होगा तो आपको ध्यान रखेंगे कि सेल्फी तो वर्ड आ रहा है, ठीक है, पर ग्रैमिनिस, ग्रैमिनिस, ग्रैम, ग्राम वीट और चना अनाज को ही बोलते हैं ना, तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि जब पाउडरी के साथ ग्रैमिनिस आ रहा है तो गेहूं की डिसीज है। नेक्स्ट है आपका डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, वहां पर हमने पी वर्ड यूज नहीं किया था ना, तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, पी और पीसी, पी और पीसी, पेरोमोस्पोरा पीसी, यहाँ पर आप रिलेट कर लेंगे, कोरिलेट करेंगे इसको कि यहाँ पर पी के साथ क्या है, पीसी। मटर का डाउनी मिल्ड्यू किससे होता है, पेरोमोस्पोरा पीसी से। नेक्स्ट है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुर्सी पर, कुर्सी पर यानी कि कुर्सी फेरी, आपको पता है कि फैमिली कुर्सी फेरी से ऑयल प्राप्त होता है, तेल प्राप्त करते हैं, और ऑयल आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉस्टली हो रहा है, बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, तो आज की डेट में ऑयल वही खरीद सकता है जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, पेरोमोस्पोरा, पेरोमोस्पोरा स्पीसीज, यानी कि यहाँ से आप रिलेट कर लेंगे कि कुर्सी फेरी किससे रिलेटेड है, पेरोमोस्पोरा स्पीसीज से। नेक्स्ट है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ये किससे फैलता है, एल्बिगो कैंडिडा, एल्बिगो कैंडिडा। आपको याद रखना है कि व्हाइट लोग कहाँ के होते हैं, तो आप याद रखना कैनेडा के, कैनेडा के होते हैं व्हाइट लोग, तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कहाँ से है, एल्बिगो कैंडिडा से होगा। नेक्स्ट है बाजरे का ग्रीन ईयर रोग,
आप इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, स्केलरोस्पोरा ग्रैमी निकोला, स्केलरोस्पोरा ग्रैमी निकोला। अगर आपके ग्रीन ईयर हो जाए तो आप उसको क्या करेंगे, कोई उसको रखना तो चाहेगा नहीं, उसको निकलवा देना चाहेंगे, तो ग्रैमी निकोला निकोला। तो जहां पर भी ग्रीन ईयर होगा तो वहां रिलेट कर लेंगे, क्यों किससे होगा, उसको हम नहीं रखेंगे, हम उसको क्या करेंगे, निकोला निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट है गेहूं का ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। आपको पता है कि जो ब्लैक रस्ट होगा ये किससे होगा, पिक्सिनिया से होगा, रस्ट दिस इज पिक्सिनिया से होती है, तो पिक्सिनिया व्हीट। आपको पता है कि ग्राम ट्रिटिकम तो साइंटिफिक नेम होता है गेहूं का, पर ग्राम अनाज को बोलते हैं, और पिक्सी और गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट अनाज है, तो क्या बोलेंगे, पिक्सिनिया ग्रैमिनिस, किसका हो जाएगा, गेहूं का ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट क्या हो जाएगा, पिक्सिनिया ग्रैमिनिस। गेहूं का फ्लैट स्मट, फ्लैक गेहूं का फ्लैग स्मट, फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट। यूरोसिस्ट ट्रिटिसी, सबसे पहला फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट किससे होगा, यूरोसिस्ट ट्रिटिसी, यानी कि फ्लैग किसका है, यूरोप का फ्लैग है, और व्हीट को ट्रिटिकम, आपको पता है कि व्हीट का नाम होता है, तो जहां पे ट्रिटिसी वर्ड से मिलता हुआ वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है गेहूं का लूज स्मट रोग, लूज आपका स्केलेटन है, ठीक है, अगर उसमें सारी अस्थियां निकाल दी जाए, अस्थियों को लूज कर दिया जाए, तो आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी पूरा बॉडी लूज हो जाएगी। लूज स्मट ऑफ व्हीट किसके कारण होता है, एस्टिलिगोट्रिटिसी, क्योंकि ये गेहूं का है, आपको याद रखना है कि जहां पर लूज होगा वहां पे एस्टिलिगो होगा, तो ये गेहूं से रिलेटेड है, तो ट्रिटिसी, क्योंकि ट्रिटिकम गेहूं का नेम होता है, आपको कई बार। नेक्स्ट है जौ का आवर्त स्मट रोग, कवर्ड स्मट ऑफ होर्डियम, तो आपको पता है कि स्मट रोग ऑस्टिलोगो से होगा, यहाँ पर भी स्मट है, वहां पे एस्टिलिगो वर्ड आ रहा है, एस्टिलिगो एस्टिलिगो, तो आप कैसे करेंगे याद, कवर्ड स्मट ऑफ होर्डियम, होर्डियम से मिलता जुलता वर्ड होर्डियाई, लू स्मट ऑफ होर्डियम, कवर्ड वाला डायरेक्ट ऑस्टिलिगो होर्डियाई, पर लूज वाले में अगर न्यूडा, मान लो कि इसने अपने कवर को लूज कर दिया, कपड़ों को लूज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, न्यूड न्यूडा, ऑस्ट्रेलिया को न्यूडा क्या है, जोका निरावर्त स्मट, यानी कि लूज स्मट ऑफ होरेडियम। नेक्स्ट है कवर्ड स्मट, कवर्ड में क्या होगा, एस्टिलिगो कोलेरी, कवर्ड से मिलता जुलता वर्ड है कोलेरी, पर क्या होगा। नेक्स्ट है वाइप स्मट ऑफ शुगर केन, वाइप को याद रखोगे, नेक्स्ट है वाइप स्मट ऑफ शुगर केन, एस्टिलिगो सिस्टीमिनी, एस्टिलिगो सिस्टीमिनी। इसमें याद रखने के लिए आप क्या करेंगे कि अगर आपको एक वाइप यानी कि वाइन लेनी है तो साइट एस-टी-आई-टी साइट देखनी पड़ेगी, ठीक है, और वाइट किसकी है, वो वाइट वैसे भी वाइन किसकी होती है, शुगर कैन की है वाइन, और उसके लिए आपको शुगर कैन की वाइन लेने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, साइट लेंगे, एक स्पेसिफिक साइट लेंगे। नेक्स्ट है ग्रीन स्मट ऑफ सोरगम, ग्रीन नेक्स्ट है ग्रीन स्मट ऑफ सोरगम, सोरगम से हो जाएगा सोरघी, ऐसी लोथी का सोरघी, ग्रीन स्मट ऑफ सोरगम, ग्रीन स्मट ऑफ सोरगम, स्पैथी लोथी का सोरघी, ये दोनों सोरगम सोरघी मिलते हुए वर्ड है, बहुत इजी है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली और अल्टरनेरिया दोनों मिलते जुलते वर्ड है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनी, अल्टरनेरिया सोलेनी, अर्ली से मिलता जुलता अल्टरनेरिया, और ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो जो है वो खाने के मामले में सोना ही है, सोने कितना कीमती है, सबसे ज्यादा बनने वाला खाद्य पदार्थ है आलू। लास्ट वाला है मूंगफली का टिक्का रोग, और ये किससे होता है, स्कोरस्पोरा पर्सोनेटा, स्कोरस्पोरा पर्सोनेटा, मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिस्क ऑफ ग्राउंड नट। अगर आपको टिक्की खानी है तो आपके पर्स में क्या होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, स्केरोस्पोरा पर्सोनेटा, स्केरोस्पोरा पर्स में, स्केरोस्पोरा पर्सोनेटा यानी कि आपके पर्स में नोट होने चाहिए, अगर आपको क्या खानी है, टिक्की खानी है, वो भी किसकी, मूंगफली की। नेक्स्ट है गन्ने का रेड रोट, रेड रोट ऑफ शुगर केन, तो इसका हो जाएगा कोलिटो ट्राइकम फल्केटम,
तो आप इसको याद रखेंगे रेड। रेड कहाँ पर पड़ती है? यहाँ पर इनकम, ट्राइकम यानी कि इनकम हो, और कैसी हो? फल के दम, फालतू इनकम हो जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या पड़ जाती है? रेड रोड, यानी कि वहाँ पर रेड रोड पड़ जाती है। इसको ऐसे मैच करके आप अपने दिमाग में रिवाइज कर लेंगे।